आपको अगर एक महान टीम बनानी है, एक बेहतर टीम बनानी है, तो अब आपको करने की जरूरत क्या है। तो अब मैं आप लोगों के बीच में ऐसे 11 स्टेप देने वाला हूं जिससे आप एक महान टीम, एक स्पार्टन जैसी टीम आप बना सकते हो। तो अब आप पहला पॉइंट कि कभी भी कोई बंदा जब आपकी कंपनी में जुड़ रहा है, सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा हिज विजन बिफोर स्टार्टिंग वर्क। काम शुरू करने से पहले उसको अपनी लाइफ में चाहिए क्या और हमारी कंपनी का विजन क्या है, इन दोनों को अलाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जब जुड़ेगा तब उस लेवल का परफॉर्मेंस वो बंदा कर पाएगा। क्लियर है? सेकंड काम जो आपको यहां पर करना है, बिल्ड हिज इंटरनल स्ट्रेंथ। हर बंदा जब आपके साथ काम करने वाला जुड़ेगा, सबकी ताकत अलग है, सबकी कमजोरियां अलग है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो क्या कर सकता है, उसको खुद को पता नहीं है, इसलिए वो जॉब करने के लिए आपके पास आया है। तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कौन सी ताकत है और कौन सा काम करने में वो मास्टर है, और उसको उसकी ताकत से जगाना और उस लेवल पर उससे काम करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना उसको मजबूत किया जाए। थर्ड चीज जो हमें करने की जरूरत होती है, टेक कमिटमेंट। कोई भी बंदा जब आपकी कंपनी में जुड़ रहा है तो उसको हाथ मिलाकर ये बोलो कि आज से 5 साल आपको हमें देने पड़ेंगे। 5 साल अगर आपने दे दिए, आपकी जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी गुरुकुल की, हमारी कंपनी की, और उससे भी वो कमिटमेंट लो कि सर 5 साल देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा पावर ऑफ डुप्लीकेशन। हर पर्सन को किसी और को तैयार करना होता है लेकिन तरीका नहीं पता है। आज मैं आपको वो तरीका दे रहा हूं लोगों को डुप्लीकेट करना कैसे है। तो बहुत सिंपल है ये तरीका। सबसे पहले आपको उनके साथ जब आप जुड़े हो तो जिस डिपार्टमेंट में उसको आपने काम पर रखा है, आपको 1 वीक ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फर्स्ट वीक, पहले 7 दिन क्या करना है, आई डू यू सी, मैं करूंगा आप देखते जाओ मैं कर कैसे रहा हूं, आई डू यू सी। सेकेंड वीक के अंदर जब वो बंदा आएगा उसको बोलना है यू डू आई सी। अब आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मैं आपको चेक करूंगा कि आप प्रॉपर ढंग से वो चीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और थर्ड वीक आएगा, अगेन यू डू, नो नीड टू सी, रिपोर्टिंग ओनली। अब आप करते जाओ, बेहतर कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप कंटिन्यू करो, लेकिन रोज शाम को आपको हमें रिपोर्ट देना है, क्योंकि रिपोर्ट से मैं जज कर पाऊंगा कि आज आपने क्या किया। फिर आगे बात करते हैं जो हमें समझना जरूरी है और सीखना जरूरी है, टीच हिम डिसिप्लिन। बहुत ज्यादा जरूरी होता है अनुशासन, और बहुत कम कंपनियों के अंदर ये डिसिप्लिन देखने को मिलता है। डिसिप्लिन जहां होता है वहां ग्रोथ होता है, और डिसिप्लिन की बात आती है तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, इंडियन आर्मी। कैसा भी बंदा हो, किसी भी तरीके का बंदा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर वो 5 साल आर्मी में चला गया तो उसका बॉडी लैंग्वेज भाई साहब बदल जाता है। उसका बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो क्या आपके वहां आपने अपने लोगों के बीच में कोई डिसिप्लिन बिल्ड किया है? तो डिसिप्लिन को दूसरी तरीके से बोलेंगे, आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, ये बनाने पड़ेंगे। आगे हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा वर्क डेलीगेट रदर देन डंपिंग। हम ज्यादातर लोगों को काम देते नहीं है, हम ज्यादातर लोगों को काम थोपते हैं। केम मैं किधू ने एटले हवे तारे करवूज पड़ से, ये थोपना हो गया। तो थोपो मत, उसको दो, और देने का तरीका क्या हो गया, ये तरीका है टेलिंग वर्सेस आस्किंग। जब आप ज्यादा बोल रहे हो और सामने वाला सुन रहा है, इसका मतलब आप उसको थोप रहे हो, और देने का मतलब ये होगा वो ज्यादा बोल रहा है और आप उसको सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगा, पूछना होगा, आस्किंग होगा कि ये मैंने आपको बताया था, ये आपने समझा, अंडरस्टैंड किया, आपको क्लियर हुआ। और दूसरी चीज यहां पर बताई गई है, गिव देम लिमिटेड अथॉरिटी।
इसका मतलब ये होता है, अगर उसको ग्रो होना है तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां दो। हर एक डिपार्टमेंट में काम करने वाला बंदा 500 से लेके 1000 तक का डिसीजन ले सकता है, 1000 से लेके 5000 का डिसीजन ले सकता है, 5000 से लेके 10000 का डिसीजन ले सकता है, 50000 से लेके लाख रुपए का डिसीजन ले सकता है। लाख के ऊपर अगर कोई डिसीजन लेना है तो मुझे पूछने आना। अपना क्या होता है, 200 रुपया वो टेम्पो वाले को देना होता है ना, तब भी भागे भागे अपने पास आता है बंदा, साहब आपन साहब आपा ना चाह अपन, फिर हम बोलते हैं रुक, फिर निकालते हैं खजाना लो। क्यों? क्योंकि छुट्टा ही नहीं है अपने हाथ में से। तो लोगों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दो और लोगों को फील कराओ कि ये उनकी भी कंपनी है, वो खुद बचाएंगे आपके आपसे अच्छा, क्योंकि उसकी बार्गेनिंग आपसे भी अच्छी है। आपने कभी ये गौर नहीं किया होगा, लेकिन हम देते ही नहीं। हम क्या सोचते, सब कुछ करेगा गब्बर खुद। फिर हमें सीखने की जरूरत क्या है कि हर पर्सन को जब हमने काम सिखा दिया, तैयार करवा दिया, उसके बाद हमें उसका करना है टेक डेली रिपोर्ट एंड गिव फीडबैक। किसी ने सही कहा है कि जिस इंसान का अगर पूरे दिन काम करने के बाद अगर आप उससे रिपोर्ट नहीं ले रहे हो कि आज आपने पूरे दिन में किया क्या, मतलब समझना आप उसको फ्री की तनख्वाह दे रहे हो, फ्री की सैलरी दे रहे हो, क्योंकि शाम तक आपने उसको पूछा ही नहीं है कि भाई साहब आज आपने पूरे दिन में किया क्या। तो रिपोर्ट लेना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं टू डू लिस्ट। और उस रिपोर्ट के सामने एज अ लीडर आपको फीडबैक देना है कि ये आपने अच्छा किया, ये आपने बुरा किया, ये आपको सुधारने की जरूरत है। और ये जब डेली बेस के ऊपर देंगे तो डेली छोटा छोटा इंप्रूवमेंट आएगा और वो छोटा छोटा इंप्रूवमेंट एक बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। हम तो क्या होता है, जब गलती होती है ना फिर ढूंढने निकलते किसने किया था, नाम बताओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डेली होना चाहिए, डेली ये सिस्टम आपको सेट करना है। फिर आगे आपको करना है गिव देम चैलेंजिंग टास्क। कभी भी कोई इंसान जो होता है वो चैलेंज लेकर पैदा नहीं होता है, और चैलेंज लेना लोगों की फितरत नहीं होती है। हम खुद अगर दो रास्ते हमारे पास हो, एक सेफ रास्ता और एक चैलेंजिंग रास्ता, हम खुद सेफ रास्ते से जाना पसंद करते हैं। लेकिन जब जब किसी इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस आती है, उसका चैंपियन है ना, तब पैदा होता है, तब जगता है। तो आज के बाद आपके लिए भी ये लागू पड़ेगा कि खुद भी एक रोज चैलेंज लो, खुद अपने लिए और अपनी टीम में काम करने वाले लोगों को भी एक चैलेंज दो। चैलेंज देना मतलब आपको ये समझना पड़ेगा उसके कंफर्ट जोन में से उसको बाहर निकालना, मतलब आज तक उसने जो काम नहीं किया है वो काम करने का उसको अवसर देना, मौका देना। और कंडीशन अप्लाई पहले से पता होना चाहिए, वो फेल होगा टेंशन नहीं, उस लेवल का ही चैलेंज दो उसको कि उसको आप रिकवर कर सको। लेकिन आपको तो चैलेंज लेना रहेगा पर डे, क्लियर। अप्रिशिएशन करना पड़ेगा और अवार्ड रिवॉर्ड देना पड़ेगा अपने लोगों को। तो अप्रिशिएशन आप रोज कर सकते हो, परिवार में कर सकते हो, बच्चों के लिए कर सकते हो, टीम मेंबर के लिए कर सकते हो, कस्टमर के लिए कर सकते हो। अप्रिशिएशन एक ऐसी चीज है जहां पर एक रुपए का दाम लगता नहीं है, खाली बोलना होता है, लेकिन एज अ ह्यूमन हम इतने कंजूस है कि उसके बावजूद हम वो करते नहीं है। और अप्रिशिएशन का मतलब सिंपल है, जो चीज अच्छी है ना वो बताओ, झूठ मत बोलो। कई बार अप्रिशिएशन हम झूठ मूठ का करते हैं और सामने वाला पकड़ लेता है। और अवार्ड रिवॉर्ड देना शुरू करो, अच्छा काम किया कुछ ना कुछ उसको अवार्ड रिवॉर्ड दो। जब अच्छा काम करने का अवार्ड रिवॉर्ड मिलता है, लोगों की आदत बन जाती है और अच्छा काम करने की, कि और इससे अच्छा करूंगा और कुछ मिलेगा, और अच्छा करूंगा और कुछ मिलेगा। कुछ नहीं प्लानिंग अगर समझ में आए तो 1000-2000 का मंथली बजट प्लान कर लो, उसमें जो बेस्ट चीज आप उसको दे सकते हो वो देना शुरू करो। और कुछ ना समझ में आए तो 2000 कैश दे दो, यहां से शुरू करो। वीकली जब आप उसके साथ बैठ रहे हो 500 रुपए का प्लानिंग लेकर चलो, 500 से 1000, और उसके अंदर कोई चीज अच्छी दो। कुछ ना समझ में आए उसको जो काम की जरूरत है वो चीज उसको देना शुरू करो। क्लियर।